हेलो, मैं डॉक्टर अनुज कुमार हूँ। मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, जिसको चेस्ट स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं, और मैं राजपुरा में नीलम हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, और शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, कि आज जो 1 अगस्त है, इसे हम वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में मनाते हैं। एक अवेयरनेस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो आज हम बहुत ही संक्षिप्त में लंग कैंसर, जिसको फेफड़ों का कैंसर भी बोला जाता है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो आज भी जो सबसे कॉमनेस्ट कारण है लंग कैंसर का, वो है स्मोकिंग। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट कारण है, वो है चूल्हा एक्सपोजर। जो हम लेडीज़ या जो भी विलेज में जो हम चूल्हे पे काम करते हैं, वो भी एक इसका एक प्रमुख कारण है। लेकिन पिछले 7, 8 और मे बी 10 साल के अंदर जो हमारा एयर पोल्यूशन जो इतना बढ़ गया है, उस वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है लंग कैंसर के बढ़ने का। तो जब लंग कैंसर के बारे में कैसे पता लगता है कि लंग कैंसर है कि नहीं है, तो कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम, जिनको हम लक्षण भी कहते हैं, वो जब किसी मरीज को, किसी पेशेंट्स को होते हैं, तो वो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब भी ये साइन एंड सिम्टम, ये लक्षण होते हैं, तो हमें अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। जैसे कि खांसी, खांसी में खून, सांस का फूलना, फेफड़े में, छाती में पानी का भर जाना, बहुत ही अत्यधिक वजन कम हो जाना, या भूख ना लगना। तो ये जो हमारे पास जब ये सिम्टम्स होते हैं, तो हमें अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। जब लंग कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, जब ये फेफड़ों से बाहर स्प्रेड कर जाता है, तो जिस ऑर्गन को या जिस अंग को में वहां पहुंच जाता है, तो उस पे के सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि गर्दन में गांठ हो जाना, जब ये ब्रेन में स्प्रेड करता है, तो दौरे आना या चक्कर आ जाना, या जब ये हड्डियों में स्प्रेड कर जाता है, तो हड्डियों में दर्द होना, इसको बोन पेन कहते हैं। ये वाले सारे सिम्टम्स इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन जब ये सिम्टम्स क्रोनिक हो जाते हैं, मीन्स कि जब ये 3 महीने या 2 महीने से जब ये ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें लंग कैंसर के बारे में हमें इवेल्यूएट कराना चाहिए, हमें अपने डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। अब ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम करवा सकते हैं, जिससे कि हम हमें ये पता लगे कि लंग कैंसर है कि नहीं है। तो कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो जो लंग कैंसर को डिटेक्ट करने में बहुत ही उपयोगी हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, पेट स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड बायोप्सी, या फिर हम प्लूरल टैपिंग, जब लंग में पानी भर जाता है, उसके लिए हम करते हैं। तो इन सब सारी इन्वेस्टिगेशन से या जांचों से हमें पता लगता है कि लंग कैंसर है या नहीं, और दूसरा, अगर है तो वो कौन सा है और कौन सी स्टेज है। क्योंकि लंग कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप है और कौन सी स्टेज है। शुरुआत वाली स्टेजेस, जिसको हम स्टेज 1 और स्टेज 2 कहते हैं, उसमें सर्जरी जो है वो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, क्योंकि उस टाइम हमारा जो ट्यूमर है, लंग का जो ट्यूमर है, वो बहुत ही छोटे साइज का होता है, और उसमें हमें सर्जरी हम इजीली करवा सकते हैं। जैसे ही स्टेज आगे बढ़ती है, तीसरी स्टेज पहुंचती है, तो हम कैंसर का जो इलाज है, क्योंकि सर्जरी उसमें पॉसिबल नहीं हो पाती, साइज बढ़ जाता है ट्यूमर का, तो उसमें हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, या दोनों, कीमो रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करके ट्रीट करते हैं। एडवांस स्टेज में जब कैंसर पूरा फैल जाता है, छाती से बाहर निकल के और जगह भी फैल जाता है, जिसको स्टेज 4 भी बोलते हैं, उसमें हम उस सिचुएशन में हम कीमोथेरेपी, और आजकल नई थेरेपीज आ गई हैं, जिनको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। पहले के से मुकाबले अब ट्रीटमेंट जो है एडवांस स्टेज में भी पॉसिबल है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि एडवांस स्टेज में भी नई थेरेपी, जैसे टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल हैं, जिनमें हम स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे कि EGFR करके,
एल्क करके, रॉस करके, PD-L1 करके ये टेस्ट हैं, और ये सारे टेस्ट करके जब ये टेस्ट में से पॉजिटिव आते हैं तो इनके इनके लिए स्पेसिफिक मेडिकेशंस हैं जिनको टारगेटेड थेरेपीज हैं, इम्यूनो थेरेपीज कहते हैं। और अब पेशेंट्स इन थेरेपीज पे भी लक्षण जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हम बहुत कम कर सकते हैं और पेशेंट्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है कि जब हमारा लंग कैंसर अर्ली स्टेज में हो, जब सिम्टम्स आ रहे हो, तो इमीजिएटली अपने डॉक्टर को कंसर्न करें, इमीजिएटली इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, उसका पता करवाएं, क्योंकि अर्ली स्टेज में ये बिल्कुल क्योरेबल है। एडवांस स्टेज जब हो जाती है, ट्रीटमेंट है, लेकिन उसमें फिर ये फुली क्योरेबल नहीं है। सो हमारे नीलम हॉस्पिटल में हम रेगुलर बेसिस पे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, स्क्रीन करते हैं, हमारे पास सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं। हम यहाँ पे पेशेंट्स को हर मोडेलिटी देते हैं और पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं।